हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन, जो कि टर्नर ट्रेड या फिर फिटर मशीन स्ट्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम थेरी का एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन का एक नहीं तो दो क्वेश्चन रहता ही है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि मशीनिंग टाइम किसे कहते हैं और उसका फार्मूला क्या है और उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आपको दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको समझा के बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी हम सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीनिंग टाइम क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मशीनिंग टाइम, मतलब मशीनिंग टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों इसमें आपको इसका डेफिनेशन लिख के दिखाई दे रहा है। जैसे मशीनिंग टाइम वह टाइम है जो जब कोई मशीन वास्तव में किसी चीज़ को संसाधित कर रही होती है। आमतौर पर मशीनिंग समय शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब अवांछित मटेरियल को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए एक ड्रिल प्रेस में मशीनिंग का समय तब होता है जब कटिंग एज आगे बढ़ रही होती है और एक होल बनाती है। मतलब मशीनिंग टाइम किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो उस समय कोई भी एक पार्टिकुलर एक कंपोनेंट बनाने के लिए, मतलब एक जॉब को तैयार करने के लिए जो टाइमिंग लगता है उसे कहा जाता है मशीनिंग टाइम। तो जैसे मान लीजिए कि हम लेथ मशीन पर काम कर रहे हैं, तो जैसे लेथ मशीन पर काम करते समय कोई जॉब का डायमीटर 25 मिलीमीटर है और उसे 20 मिलीमीटर बनाना है, तो उसे 20 मिलीमीटर बनाते समय जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है मशीनिंग टाइम। तो इसी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला। मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ टू बी टर्न मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू आरपीएम। फॉर्मूला सबसे पहले आपको समझ लेना है लेंथ टू बी टर्न। लेंथ टू बी टर्न मतलब जैसे लेथ मशीन पर अगर आपको काम आप लेथ मशीन पर काम कर रहे हैं तो उस समय अगर जॉब को आप टर्न करना है तो टर्निंग की लंबाई कितनी होगी, उस लेंथ को कहा गया है यहाँ पर लेंथ टू बी टर्न। इसके बाद इनटू नंबर ऑफ कट मतलब आप उसे एक कट में कंप्लीट कर रहे हैं, दो कट में कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन रहता है कि कितने कट में कंप्लीट करना है। अगर एक क्वेश्चन में दिया है दो कट में कंप्लीट करना है तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कट, इस जगह पर आपको दो लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि नंबर ऑफ कट कितना, ये अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहा तो उस समय आपको एक ही लेना है। उसके बाद फीड जो क्वेश्चन में दिया जाता है और फीड गुनीले आरपीएम। आरपीएम कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में और कभी कभी दिया नहीं रहता है। अगर आप क्वेश्चन में आरपीएम नहीं दिया जाता है तो उस समय कटिंग स्पीड दिया जाता है। तो सबसे पहले कटिंग स्पीड को लेकर आरपीएम के फॉर्मूला के सहायता से आरपीएम कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद आपको मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मशीनिंग टाइम दिया जाता है, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते समय फिर आरपीएम डायरेक्टली दिया जाता है तो उस समय आपको आरपीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप मशीनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारा मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला है कि लेंथ टू बी टर्न इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू आरपीएम। इसके बाद हम आपको अभी एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग फॉर्मूला के साथ, अलग अलग क्वेश्चन के सहायता से। इन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल। माइल्ड स्टील रॉड 300 मिलीमीटर लॉन्ग 25 मिलीमीटर डायमीटर इज टू बी टर्न टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू 24 मिलीमीटर इन वन कट। इफ द रॉड इज रोटेटिंग इज 510 आरपीएम, इफ द फीड 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, देन द मशीनिंग टाइम वुड बी इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है कि जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक माइल्ड स्टील रॉड है जिसकी लंबाई है 300 मिलीमीटर और उसका डायमीटर है 25 मिलीमीटर और उसको टर्न करके उसका डायमीटर बनाना है 24 मिलीमीटर, और जिसके लिए आरपीएम दिया गया है 510 और जिसमें फीड है 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में जो क्वेश्चन में दिया गया है जो भी डाटा उसे इस तरह से लिखना है। जॉब की लंबाई जैसे जॉब लेंथ इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर जो क्वेश्चन में दिया है। जॉब का डायमीटर कितना है 25 मिलीमीटर। नंबर ऑफ कट कितना है एक। मैंने जब भी आपको फॉर्मूला समझाते हुए आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ कट मेंशन होता है और कभी कभी नंबर ऑफ कट मेंशन नहीं होता है, तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन है कि वन कट, इसलिए नंबर ऑफ कट कितना एक है। आरपीएम इज इक्वल टू आरपीएम दिया है हमारे हमारे पास 510 आरपीएम है। फीट दिया है 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और मशीनिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए इसे क्वेश्चन मार्क के तौर पर लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और गिवन डाटा। इसके बाद इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला। तो जैसे हमने गिवन डाटा लिख लिया, उसके बाद सबसे पहले हमें कैलकुलेट करते समय फॉर्मूला लिखना है मशीनिंग टाइम का। मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ टू बी टर्न इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीड इंटू आरपीएम। तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला लिखने के बाद। फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है जो क्वेश्चन में दिया है। जॉब की लंबाई कितना दिया है, टर्न करने की लंबाई 300 है। नंबर ऑफ कट कितना मेंशन किया था क्वेश्चन में, एक। और फीड दिया है हमारे पास 0.5 और इंटू आरपीएम, आरपीएम दिया है हमारे पास 510। तो जब हम इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं, जैसे 300 गुनी ले एक मतलब 300 होता है और 0.5 इंटू 510 मतलब 255 मतलब 510 का आधा आ जाता है। और इस तरह से दोनों का कैलकुलेट करने के बाद जैसे यहाँ पर आ गया है 300 डिवाइडेड बाय 255। तो इन दोनों का जब हम भागाकार करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 1.176 मिनट, मतलब एक मिनट इतना, एक मिनट के बाद आता है सेकंड। तो इसके बाद इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि जैसे जैसे आप देख सकते 1.176, अगर 1 पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट में आता है या फिर 60 के ऊपर जाता है, मतलब जैसे कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड के ऊपर अगर जाता है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चलता है कि ये कितना सेकंड है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कन्वर्शन भी हमने आपको दिया है कि कन्वर्टिंग 0.176 मिनट टू सेकंड, मतलब 0.176 को मिनट में कन्वर्ट किस तरह से करना है। सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो जैसे इसे हमें अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से किया जाता है। जो हमें हमारे पास आता जो वैल्यू होती है जीरो पॉइंट के बाद 0.176 इंटू उसे 60 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद दोनों का 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसे 1.76 0.176 इंटू 60 जब हम करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 10, मतलब इसका जो टोटल मशीनिंग टाइम था, मशीनिंग टाइम है 1 मिनट 10 सेकंड। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था पहला एग्जांपल, उसे जो 300 मिलीमीटर जॉब की लंबाई थी और 25 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर करना था एक कट में, तो उस कट को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड। एक क्वेश्चन आपको सेकंड, जैसे हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, उसी तरह से हम आपको एक थोड़ा जो क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं कि जैसे जो हम पेपर देते हैं उससे उस समय क्वेश्चन हर क्वेश्चन एक जैसे नहीं आता है। पर आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। वह 150 मिलीमीटर लॉन्ग 25 मिलीमीटर डायमीटर स्टेनलेस स्टील रॉड इज बींग रेड्यूस इन डायमीटर टू 23 मिलीमीटर बाय टर्निंग ऑन अ लेथ। द कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट एंड द टूल इज ट्रैवलिंग एट एन एक्सियल स्पीड ऑफ 200 मिलीमीटर पर मिनट। इफ द फीड 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ लेना है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे जॉब की लंबाई कितना है 150 मिलीमीटर, जॉब का डायमीटर कितना है 25 मिलीमीटर, और उसे हमें टर्निंग करके कितना बनाना है 23 मिलीमीटर। इसके लिए कटिंग स्पीड कितना दिया गया है हमारे पास 30 मीटर पर मिनट और फीड इसकी है 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे गिवन डाटा लिख लेना है। सबसे पहले तो जॉब की लंबाई कितना है 150 मिलीमीटर, जॉब का डायमीटर 25, नंबर ऑफ कट क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे कि जब नंबर ऑफ कट कभी कभी मेंशन होता है कभी कभी मेंशन नहीं होता है, तो जो नंबर ऑफ कट नहीं दिया मेंशन नहीं होता है तो उस समय आपको नंबर ऑफ कट एक लेना है। और कटिंग स्पीड कितना दिया है 30 मीटर पर मिनट, फीड दिया है 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, आरपीएम हमारे पास दिया नहीं है, आरपीएम और मशीनिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब मशीनिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं जो फार्मूला है मशीनिंग टाइम का उसमें आरपीएम है, तो आरपीएम इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, सबसे सिर्फ कटिंग स्पीड दिया है। तो इसलिए सबसे पहले हमें आरपीएम कैलकुलेट करना है, उसके बाद मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए चलते इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आरपीएम। तो आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए आरपीएम का फॉर्मूला होता है आरपीएम इज इक्वल टू सी एस मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी।
तो कटिंग स्पीड हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में, 30, और 30 गुने 1000, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू, जैसे जॉब का डायमीटर दिया है 25, डी मतलब जॉब का डायमीटर। तो इन दोनों का कैलकुलेट करने के बाद 30 गुने ले 1000 मतलब 30,000 आता है, 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो इसका आंसर आ जाता है 78.5। जब इन दोनों का डिवाइडेशन करते हैं, भागाकार करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 382 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब आरपीएम हमारा कितना निकला है 382। इसके बाद हम मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे इसी आरपीएम को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ कैलकुलेटिंग द मशीनिंग टाइम, अभी हम मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला लिख लेना है, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ टू बी टर्न इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीड इंटू आरपीएम। तो इज इक्वल टू, जैसे लेंथ टू बी टर्न, जॉब की लंबाई कितना दिया था 150 मिलीमीटर, नंबर ऑफ कट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए हम एक लेंगे, और फीड दिया था 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन इंटू, अभी हमने आरपीएम कैलकुलेट किया है, उसका आरपीएम निकला है 382 मतलब 382। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 150 गुने 1 मतलब 150 होता है, और 0.5 इंटू 382 मतलब 382 का आधा आ जाता है 191। तो इन दोनों का जब हम डिवाइडेशन करते हैं 150 डिवाइडेड बाई 191, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 0.785 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0 मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो मिनट में होता है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट या फिर 60 के ऊपर आता है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट है या फिर 60 के ऊपर है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो हम कैलकुलेट किया है जो मशीनिंग टाइम है इसका सेकंड में आने वाला है, क्योंकि मिनट में 0 दिखाया है। तो कन्वर्ट करते समय जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्टिंग 0.785 मिनट टू सेकंड, कन्वर्ट करते समय ध्यान में रखें कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, और जो हमारे वैल्यू है वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों का 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आंसर आ जाता है 47 सेकंड। तो जो हमें समय लगने वाला था डायमीटर 25 से 23 डायमीटर बनाने के लिए, तो टोटल टाइम हमारा है मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 47 सेकंड, सिर्फ 47 सेकंड मतलब 47 सेकंड लगने वाला है। जो हमारा जॉब था, जॉब की लंबाई जैसे हमने कैलकुलेट किया था, जॉब की लंबाई 150 मिलीमीटर है, तो इस तरह से मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मशीनिंग टाइम में क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना है आरपीएम दिया है या फिर आरपीएम नहीं दिया है, और एक बात लास्ट में और इम्पोर्टेंट रहता है कि जो हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनट में आ रहा है या सेकंड, मिनट में आने के बाद सेकंड में कन्वर्ट करना है या नहीं। अगर आपको जो डिजिट आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है सेकंड वाली, वो अगर 60 के ऊपर रहे तो आपको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिए करके दिया, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लियरली डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसी के ऊपर हम आपको अलग से वीडियो तैयार करके आपके आपके लिए पेश करेंगे।